सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वर्ब की फॉर्म्स। अक्सर हमें डेली लाइफ में वर्ब के बहुत यूज होते हैं, तो आज हम 30 वर्ब फॉर्म्स देखेंगे, वो भी V1, V2, V3, V4, V5। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है एक्सेप्टेड, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है एक्सेप्टिंग, और फिफ्थ फॉर्म एक्सेप्ट्स। एक्ट, जिसका मतलब होता है अभिनय करना। कुछ लोग होते हैं ना, एक्ट करते हैं, अभिनय करते हैं, जैसे हीरो हीरोइन लोग एक्ट करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एक्टेड, थर्ड फॉर्म एक्टेड, फोर्थ फॉर्म एक्टिंग, और फिफ्थ फॉर्म एक्ट्स। एड, जिसका मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड, फोर्थ फॉर्म एडिंग, और फिफ्थ फॉर्म एड्स। बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड फॉर्म होती है बॉट, और फोर्थ फॉर्म होती है बाइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है बाइज। बिल्ड, जिसका मतलब होता है बनाना। बहुत लोग होते हैं ना, बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिल्ट, थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, और फोर्थ फॉर्म होती है बिल्डिंग, बिल्डिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है बिल्ड्स। बर्न, बर्न का मतलब होता है जलाना। देखो, हम फायर जलाते हैं, जलाते हैं कुछ। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्नट, थर्ड फॉर्म होती है बर्नट, और फोर्थ फॉर्म होती है बर्निंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है बर्न्स। बेंड, जिसका मतलब होता है मोड़ना। बहुत सारी चीज़ों को हम मोड़ते हैं, बेंड करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बेंट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बेंट, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है बेंडिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है बेंड्स। ब्लीड, इसका मतलब तो आप जानते होंगे, ब्लीड, खून बहना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लेड, थर्ड फॉर्म भी ब्लेड, और फोर्थ फॉर्म ब्लीडिंग, और फिफ्थ फॉर्म ब्लीड्स, ब्लीड्स। ब्रिंग, जिसका मतलब होता है लाना, लाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, और फोर्थ फॉर्म होती है ब्रिंगिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है ब्रिंग्स। बिकम, बनना। जैसे बोलते हैं ना, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो उस जगह पे आप बिकम का यूज कर सकते हो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, थर्ड फॉर्म होती है बिकम, और फोर्थ फॉर्म होती है बिकमिंग, बिकमिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है बिकम्स, बिकम्स। कम मतलब आना, केम इसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, और फोर्थ फॉर्म कमिंग, और फिफ्थ फॉर्म कम्स। कैच, जिसका मतलब होता है पकड़ना। बहुत सारी चीजों को हम पकड़ते हैं, कैच करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, थर्ड फॉर्म होती है कॉट, और फोर्थ फॉर्म होती है कैचिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है कैच। डू मतलब करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, जिसका यूज होता है किया, ऐसा बोलना हो तब। डन इसकी थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म होगी डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी डज। ड्रीम, जिसका मतलब आपको पता होगा सपना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रीम्ड, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रीम्ड, और फोर्थ फॉर्म ड्रीमिंग, और फिफ्थ फॉर्म ड्रीम्स। ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रो इसकी सेकंड फॉर्म, ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म, और ब्रेकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ब्रेक्स इसकी फिफ्थ फॉर्म। चूज मतलब चुनना, जैसे हम बोलते हैं ना, चूज करो ये वाला कि वो वाला, ऐसा। इसकी सेकंड फॉर्म होती है चोज, इसकी थर्ड फॉर्म होती है चोजन, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है चूजिंग, और फिफ्थ फॉर्म चूजेस। ड्रॉ मतलब चित्र बनाना, ड्राइंग बनाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रिव, थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन,
इसकी फोर्थ फॉर्म होती है ड्राइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है ड्रॉज ड्रॉज। ड्राइव ये तो मतलब आप जानते ही होंगे चलाना, जैसे हम कार चलाते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव और थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन और फोर्थ फॉर्म होती है ड्राइविंग और फिफ्थ फॉर्म होती है ड्राइव्स ड्राइव्स। ईट ईट मतलब खाना, एट इसकी सेकंड फॉर्म, ईटन इसकी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है ईट्स। फॉल फॉल मतलब गिरना, फेल इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉलन इसकी थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है फॉलिंग और फिफ्थ फॉर्म है फॉल्स फॉल्स। फ्लाई मतलब उड़ना और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसकी फ्लीव। फ्लॉन इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है फ्लाइंग और फिफ्थ फॉर्म है फ्लाइज फ्लाइज। फॉरगेट इसका मतलब होता है भूलना, जैसे आप कभी अपना पासवर्ड बनाओ आप भूल गए हो तो डिवाइस में लिख के आता है फॉरगेट फॉरगॉटन, ऐसे इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है फॉरगेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है फॉरगेट्स। फॉरगिव जिसका मतलब होता है माफ करना, हम बहुत से लोगों को माफ कर देते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है फॉरगिविंग फॉरगिविंग और इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है फॉरगिव्स। गिव गिव मतलब तो आप सब जानते होंगे देना, गेव इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गिवन गिवन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिविंग और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गिव्स गिव्स। ग्रो ग्रो मतलब बढ़ना, बहुत से लोग लाइफ में ग्रोथ करते हैं ग्रो करते हैं तो बढ़ते हैं और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन ग्रोन और इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ग्रोइंग ग्रोइंग और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ग्रोज ग्रोज। हाइड हाइड मतलब छुपना और इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है हिड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हिडन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है हाइडिंग और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है हाइड्स। नो नो मतलब जानना या फिर पता करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है नीव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी होती है नोन नोन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है नोविंग नोविंग और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है नोज नोज। राइड राइड मतलब सवार होना, जैसे हम बाइक पे सवार होते हैं इसके लिए बाइक चलाने के समय हम राइड का यूज करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिडन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है राइडिंग राइडिंग और इसकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है राइड्स राइड्स। सी सी मतलब देखना, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सीज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। स्पीक स्पीक मतलब बोलना, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, स्पीक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब आप लोगों के लिए एक क्विज है, टेक टेक मतलब लेना, इसका आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये जो सारे वर्ब्स हैं 30 वर्ब्स जो मैंने अभी बताए ये आपके डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं और आपको इनके वर्ब के सारे फॉर्म पता होने चाहिए कि किसका कहाँ यूज करते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।